दोस्तों इस वीडियो में हमारा जो पेन ड्राइव होता है इसमें अगर हम कोई फाइल कॉपी कर रहे होते हैं तो वो फाइल कॉपी नहीं होती, फाइल इज टू लार्ज, ऐसा एरर आ जाता है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर वहां पर ये जो प्रॉब्लम है हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मेरा पेन ड्राइव है, 14 GB, 16 GB का, हालांकि 14 GB दिखाता है। तो इस पेन ड्राइव में हम एक जो फाइल है कॉपी करके दिखाने वाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और जो एरर आता है वो भी मैं आपको शो यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये मेरा पेन ड्राइव, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक डाटा नाम का एक फाइल है, तो इसे मैं आपको कॉपी करके दिखाने वाला हूँ। राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू USB ड्राइव पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल टू लार्ज, द फाइल डाटा डॉट आर ए आर रार फाइल है इज टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। तो ये जो है इस प्रकार से एरर आता है, तो ये इस एरर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एरर क्यों आता है, तो हमारा जो पेन ड्राइव होता है इसमें तीन प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि प्रॉपर्टीज में हम जैसे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका FAT32 इस प्रकार से ये जो फॉर्मेट है ये दिखाता है। अगर FAT32 है तो ये जो है ज्यादा बड़ी, यानी 4 GB से ज्यादा अगर फाइल है तो उसे सपोर्ट नहीं करता, अंडर 4 GB को फाइल को इसे ये जो है कॉपी करने देता है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका फॉर्मेट हमें बदलना है। तो सबसे पहले आपको इसका जो बैकअप है, ये हमारा जो डी ड्राइव, या फिर आप कहीं पर भी इसका बैकअप ले सकते हो, और राइट क्लिक करना है आपको और सीधे जाना है फॉर्मेट ऑप्शन पर। और जैसे आप फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक जो है डायलॉग बॉक्स खुलेगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि FAT32 जो है इसमें से या तो आप NTFS ले सकते हो या फिर EXFAT ले सकते हो। तो NTFS अगर आप लोगे तो इस पेन ड्राइव को अगर आप मोबाइल पर कनेक्ट करोगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए सबसे अच्छा है EXFAT। तो NTFS के जैसे ही है, लेकिन EXFAT जो है वो भी मोबाइल को सपोर्ट करता है, या फिर आपका जो USB प्लेयर होता है जैसे कि हमारे कार में लगा होता है या फिर DVD प्लेयर होता है उसमें EXFAT जो है वो सपोर्ट कर जाता है। तो हमें EXFAT लेना है यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एलोकेशन यूनिट साइज को, डिफॉल्ट एलोकेशन साइज पर आपको रख देना है। अगर आपको यहाँ पे कोई ड्राइव का नाम देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। क्विक फॉर्मेट जो है इसे हमें टिक रखना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, यानी उसमें फॉर्मेट करने के लिए टाइम लगता है, तो क्विक फॉर्मेट से जल्दी हो जाता है। तो हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, और ये सच में ये फॉर्मेट करना पूछ रहा है क्योंकि ये सब इरेज करने वाला है, तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये फॉर्मेट है अब कंप्लीट हो चुका है, तो इसे मैं अब क्लोज करूंगा। अब क्लोज करने के बाद सच में फाइल हमारी जो है वो इसमें पेन ड्राइव पे जाती है कि नहीं, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो मैं सेंड टू पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर USB ड्राइव जो है इस पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो जैसे मैं USB ड्राइव पर क्लिक करूंगा तो ये जो फाइल है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी कॉपी करना शुरू हो चुका है। यहाँ से ये फाइल जो है हमारी कॉपी हो जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे फाइल इज टू लार्ज इस प्रकार से एरर दिखा रहा था, तो ये फाइल हमारी कॉपी होना शुरू हो दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो टेक्निकल के वीडियो हैं, आप ये जो टेक्निकल टीचर चैनल देख रहे हो, तो हर रोज एक टेक्निकल से रिलेटेड एक नया वीडियो जो है मैं इस पर लाता रहता हूँ, इससे आप कुछ नया सीख भी सकते हो। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकॉन है इस पर टैप कर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मैं कुछ नया वीडियो बना सकूँ तो इसके जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।